फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है आपके एनिमीज और उनके कर्मास। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके एनिमीज हैं, जो भी हैं, उनके कर्मास क्या हैं, यानी कि आगे जाकर वो आपके साथ जो बुरा किया है, जो नेगेटिव किया है, उसके लिए वो क्या कर्मा फेस करेंगे, उनके लिए क्या बुरा कर्मा जो है उनका वेट कर रहा है इन द फ्यूचर। इस वीडियो के थ्रू हम किसी को भी कोई भी कर्स नहीं सेंड कर रहे, किसी के लाइफ में डिफ़िकल्टी नहीं सेंड कर रहे, बट एक यूनिवर्स का इंसाफ होता है, यूनिवर्स का जस्टिस होता है, और उस हिसाब से एक कर्मा के सिस्टम के हिसाब से अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके एनिमीज़ ने जो बुरा कर्म किया है उसका फल क्या होने वाला है। ठीक है, आप किसी भी अपने एनिमी का, दुश्मन का, या फिर किसी भी इंसान के बारे में, अगर आप जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो उनके बारे में 2 मिनट सोचिए, उनका नाम अपने दिमाग में लाइए और उनके उस हिसाब से कोई एक पाइल आपको चूज़ करनी है। पाइल नंबर 1 है मून, सेलेनाइट मून, एंड पाइल नंबर 2 है सेलेनाइट हेक्सागन। दोनों मैंने सेलेनाइट्स रखे हैं ताकि आप लोगों का क्लिंजनिंग भी इस वीडियो के थ्रू मैं कर पाऊँ। नेगेटिव जो एनिमीज़ आपके बारे में सोच रहे हैं, जो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्लिंज हो जाए। ओके, तो आप चूज़ कर सकते हो पाइल नंबर 1 मून या फिर पाइल नंबर 2 हेक्सागन। साथ ही गाइज, अगर आपके 2 एनिमीज़ हैं तो आप एनिमी नंबर 1 के लिए मून, एनिमी नंबर 2 के लिए सेलेनाइट, इस तरह से भी आप हेक्सागन, ऐसे इस तरह से भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1 सेलेनाइट मून। पाइल नंबर 1 सेलेनाइट मून जिन्होंने चूज़ किया है, देखते हैं आपके एनिमीज़ का क्या कर्मा होने वाला है। ओके, विल स्टार्ट विथ टैरो। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स। ओके, पूछने से पहले ही काफ़ी कार्ड्स कूद रहे हैं। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, डॉटर ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, हमारे लिए प्लीज़ कार्ड्स बताइए। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है मून, उनके एनिमीज़ के क्या कर्मा होने वाले हैं। ओके, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी सोर्ड कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एंड देन द वर्ल्ड। ओके, वन सेकेंड, आपको शायद सारे कार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे होंगे तो मैं अरेंज कर लेती हूँ इस हिसाब से। ओके, ओरेकल के भी कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ, वो भी हम देख लेंगे, फिर एक साथ आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। यहाँ पे तो मुझे काफ़ी सारे सोर्ड कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स हैं, एस ऑफ सोर्ड्स है, डॉटर ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी तो ढेर सारी आ रही है। ओके, वो क्या डिफ़िकल्टी है थोड़ा ओरेकल के साथ क्लियर कर लेंगे। ओके, यूनिवर्स, एंजल्स, ओके, 2 कार्ड्स, वी हैव हेल्थ, ओके, दैट्स एंड कार्मिक कंप्लीशन। अभी कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है आपको यहाँ पे भी रिफ़्लेक्ट हो रहा है, वहाँ पे भी रिफ़्लेक्ट हो रहा है, और वो है वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए दिखाई देता है कि जैसे मैंने कहा काफ़ी सोर्ड कार्ड्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ तो काफ़ी आने वाली हैं। डिफ़िकल्टीज़ के बारे में हम बात करें तो उनके लाइफ में अभी फ़िलहाल में मुझे दिखाई देता है कि कोई कार्मिक कनेक्शन आके उनकी ज़िंदगी जो है डिफ़िकल्ट बनाने वाला है, कोई कार्मिक कनेक्शन उनकी लाइफ में आने वाला है। और कार्मिक कनेक्शन जनरली ख़त्म हो जाने के बाद हमें अच्छे राह पे हम चलते हैं, सही मार्ग पे हम चलते हैं, बट इनका क्योंकि कर्मा ऑलरेडी ख़राब है तो कार्मिकली ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, कार्मिक रिलेशनशिप आएगा और इनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं तबाह करके रख देगा। ठीक है, अब ये कार्मिक कनेक्शन इनके लाइफ में कोई लड़की दिखाई देती है जो इनसे उम्र में कम है। ओके, यानी कि ये इनकी बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, लवर हो सकती है, होने वाली वाइफ या फिर वाइफ हो सकती है, पर कोई भी मुझे लड़की दिखाई दे रही है इनके लाइफ में जो इनकी इनसे उम्र में कम है। भले ही अभी आपके ये दुश्मन खुद औरत हो या मर्द हो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि एक डॉटर्स वाला फीलिंग मुझे आ रहा है, बेटी वाला फीलिंग आ रहा है, या फिर एक
लेडी वाला फीलिंग आ रहा है, लड़की वाला फीलिंग आ रहा है जो उनसे उम्र में कम है। कोई ऐसी लड़की इनकी लाइफ में कार्मिक कनेक्शन बनकर आ रही है और उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ख़राब होने वाली हैं। जैसे मैंने कहा, बहू, बेटी, बहन हो सकती है छोटी इनकी, या फिर लवर हो या फिर वाइफ इनकी हो सकती हैं कि छोटी हैं। ओके, समवेयर अभी इस लड़की की वजह से या फिर कार्मिक इनके गलत चीज़ों की वजह से, कार्मिकली ये हमेशा कन्फ्यूजन में रहते मुझे दिखाई दे रहे हैं। कर्मा इनका ये कहता है कि ये हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे इन फ्यूचर, कभी भी डिसीजन पे बहुत क्लियरली इजीली नहीं आ पाएंगे या फिर लाइफ इनकी कभी भी स्मूथ नहीं चलेगी। जैसे हम होता है ना कि एक स्कूल होता है, फिर कॉलेज होता है और उसके बाद जॉब लगती है एंड आप जो है सही मार्ग पे लग जाते हो। इनका तो स्कूल हो जाना है, कॉलेज हो जाना है, फिर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपके जो है अभी कॉलेज जाएंगे या स्कूल जाएंगे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। उससे जैसे होता है ना कि हम सोचते हैं कि हाँ अभी ठीक हो जाएगी लाइफ, अभी ठीक हो जाएगी लाइफ, अभी ट्रैक पे आएगी लाइफ, अभी ट्रैक पे आएगी लाइफ। इन्होंने इनके जो कर्मा रहे हैं उसकी वजह से इनका फ्यूचर लाइफ मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड दिखाई देता है, काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई देता है, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से ये हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे कि मैं आगे की स्टेप क्या लूँ। और उस स्टेप को लेते वक्त इनके दिमाग में 100 सवाल आने वाले हैं, 100 कन्फ्यूजन्स आने वाले हैं, और उसकी वजह से ये इंसान जो है फ्रस्ट्रेटेड इन फ्यूचर मुझे दिखाई देते हैं, फ्रस्ट्रेटेड मुझे दिखाई देते हैं। साथ ही इनका इन फ्यूचर मुझे ट्रैवल के वक्त एक्सीडेंट होने के चांसेस भी दिखाई देते हैं। ठीक है, हो सकता है ये इंसान काफ़ी ट्रैवल करता है या फिर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, बट आई सी एक छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बट आई सी कि एक एक्सीडेंट होने के इनके चांसेस इन फ्यूचर दिखाई देते हैं। ओके, दो बार टू आया है तो कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में ये हमेशा फंसेंगे, हो सकता है वाइफ और लवर, हो सकता है ऐसे सिचुएशन में फंसे, या फिर पत्नी और बहू, यू आई होप यू अंडरस्टैंड, यू नो, या फिर सास और यानी कि माँ और पत्नी, ऐसे सिचुएशन में हो सकता है। बट कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि दो लोगों के बीच में ये इंसान पिसने वाला है, और ये दो लोग कोई फैमिली मेम्बर्स ही होने वाले हैं। ओके, यानी कि बेटा एक कह रहा है और माता एक कह रही है, यानी कि बीवी एक कह रही है, और इन दोनों के बीच में ये फंसे हुए हैं, पिस रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे इनकी आगे जाकर फ्यूचर में दिखाई देती है। इनके हेल्थ पे भी मुझे कहीं ना कहीं बात आती दिखाई देती है, जिसकी शुरुआत आज इस डेट को हो गई है। ठीक है, यानी कि ये फीलिंग इनके दिमाग में हेल्थ से रिलेटेड ऑलरेडी प्रॉब्लम्स शुरू हो चुके हैं। ओके, आपको शायद पता होगा या फिर नहीं, पर कोई बड़ी बीमारी या फिर बड़े प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटेड इनके लाइफ में ये सफ़र इन फ्यूचर करते दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो दिस वाज अ रीडिंग गाइस, जिन्होंने मून चूज़ किया था। अभी एडवाइस के बारे में अगर मैं बताऊं आपको इस सिचुएशन में, तो ये इंसान काफ़ी खुद ही सफ़र करने वाले हैं इन द फ्यूचर, तो आप इनके बारे में अभी सोचना कम्प्लीटली बंद कर दीजिए। ओके, मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बेलीफ लिखिए और आप अपने रिकवरी के बारे में सोचिए कि इस इंसान ने जो भी आपका नुकसान किया है उसका सारा रिकवर आप कर सको, उस नुकसान को आप रिकवर कर सको। सो आई एम रिकवर्ड, आई एम हेल्दी, आई एम विथ राइट पीपल इन माई लाइफ, ये अफर्मेशंस आपको करने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच आपने इस वीडियो को ज्वाइन किया। साथ ही गाइज, एंजल थेरेपी के बारे में बताना चाहती हूँ। एंजल थेरेपी का मेरा बैच नंबर 24 शुरू हो रहा है 12th ऑफ मई से। 23 बैचेस हमारे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं, 24th बैच हमारा शुरू हो रहा है 12th ऑफ मई से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो काफ़ी लिमिटेड सीट्स ले रही हूँ मैं अभी, पहले जैसे बहुत सीट्स नहीं लेती हूँ, अभी बहुत लिमिटेड सीट्स लेती हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पे मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूँगी। ओके, इस इंसान से आपको कैसे प्रोटेक्शन लेना है, आप अफर्मेशंस कैसे यूज़ कर सकते हो, कौन से एंजल को बुला सकते हो हेल्प के लिए, रिकवरी के लिए, वो सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। ओके, सो ज़रूर ज्वाइन करना। I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. पाइल नंबर 2 की तरफ आए हैं हम लोग, जिन्होंने हेक्सागोन चूज़ किया था, सेलेनाइट हेक्सागोन। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रही है। शुरू करते हैं टैरो से। ओके, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें बताइए कि पाइल नंबर 2 के दुश्मन जो हैं। ओके,
काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, बट आई डोंट थिंक ये गिरे हैं तो ये नहीं लेना चाहती मैं। अगर कोई कार्ड आना चाहता है तो वो रिपीट आएगा, मेरे रीडिंग में ये होता है कि वो अगर आना चाहता है तो फिर वो वापस आएगा कार्ड। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमें बताइए फाइल टू के दुश्मनों का कर्मा क्या होगा। ओके, वी हैव डॉटर ऑफ वॉन्स विच इज़ सिमिलर टू पाइल नंबर वन, इट्स क्वाइट वियर्ड। ठीक है, फिर भी देखते हैं आगे क्या आ रहा है। ओके, सन ऑफ वॉन्स, दैट्स ओके। डॉटर है, सन है, फाइन, विल सी। ओके, और दो कार्ड्स आए हैं, वी हैव स्ट्रेंथ, ठीक है, वी हैव एस ऑफ वॉन्स। इसमें काफ़ी सारा वॉन्ड एनर्जी मुझे दिखाई देती है, दैट मीन्स झगड़े फसाद होने के इस इंसान के साथ चांसेस काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। ओके, द लास्ट कार्ड आई वॉन्टेड इज फोर, सॉरी सिक्स ऑफ कप्स, फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओरैकल भी देख लेते हैं ताकि मैं एक साथ ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। ओके, यहाँ पे उड़ के गया है, वी हैव हीलिंग, ठीक है, एंड वन मोर कार्ड यूनिवर्स, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके ओके ओके, वी हैव कंपैशन, फाइन, ठीक है, स्ट्रेंथ के साथ भी वही चीज़ जो है मुझे दिखाई दे रही थी और वही कार्ड आया है, दैट्स ओके। चलो ठीक है, आप लोगों के लिए फर्स्ट तो दिखाई देता है कि आपके ये दुश्मन जो हैं इन फ्यूचर काफ़ी सारा झगड़े फसाद इन सारी चीज़ों से गुजरने वाले हैं, ठीक है। शांति नाम की चीज़ इनको नहीं लाभने वाली, ठीक है, इनके साथ शांति नाम की चीज़ नहीं गाट बैठने वाली। इन फ्यूचर कहीं ना कहीं इनका झगड़ा इनके या तो बेटे से या तो फिर बेटी से दिखाई देता है, यानी कि कम उम्र के इंसान से कोई बहुत बड़ा झगड़ा इनका दिखाई देता है। नाउ दिस पॉइंट इज़ क्वाइट सिमिलर टू पाइल नंबर वन, फिर भी मैं ये बताना चाहती हूँ क्योंकि कार्ड्स वैसे आए हैं। आपने देखा मैंने स्क्रीन के सामने ही शफल किया है, तो मैंने कुछ अपने मन के कार्ड्स तो निकाले नहीं हैं, बट आई समवेयर सेंस कि इस इंसान का ना छोटा हो सकता है। देखिए वहाँ पे मुझे दिखाई दिया था कि कोई लेडी है, बट यहाँ पे मुझे क्लियर मैसेजेस है कि डॉटर या फिर सन, यानी कि अपने बच्चों के साथ इनका झगड़ा होने वाला है। ओके, जो ट्रीटमेंट, जैसा बर्ताव ये इन्होंने आपसे किया है, यानी कि दुश्मन के दुश्मन होने के नाते जो इन्होंने पूरा फर्ज निभाया है, जो दुश्मनी निभाई है इन्होंने, उसी तरह का व्यवहार इनका बेटा इनके साथ करेगा या फिर इनकी बेटी इनके साथ करेगी, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि फैमिली मेंबर्स से ही ये डिसरिस्पेक्ट फेस करने वाले हैं, यानी कि अपमान इनका होता जाएगा। ओके, इनका कोई बात नहीं सुनने वाला, कोई एग्री नहीं करने वाला इनके साथ, कोई समझने नहीं वाला इनको। ये फ्यूचर में जब बूढ़े होंगे ना, तो इनको डोर मैट की तरह ट्रीट किया जाएगा कि तुम तो किसी काम के हो ही नहीं। ओके, सेकंड थिंग इनके लिए दिखाई देती है कि बेटा और बेटी जो भी है इनका, या फिर दोनों, इनके साथ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बनी रहेगी। बेटा कुछ चाहेगा और ये वो एग्री नहीं करेंगे और इनके बीच में झगड़ा होगा, ठीक है। स्पेसिफिक एनर्जीज़ मैं बेटे की कह रही हूँ, बेटा या फिर बेटी की, उसमें भी बेटे की एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती हैं। या तो इनका बेटा जो है वो अभी के लिए चुप है, अभी बहुत समझदार बनने का नाटक कर रहा है, अभी बहुत अच्छा बनने का नाटक कर रहा है, पर जब ये इंसान जो है जिनके बारे में आपने पूछा है, ये थोड़ा सा एज ज़्यादा इनका बढ़ जाएगा, तो इनका उनको पूरा मैनिपुलेट करके इनका पूरा फ़ायदा उठाने वाला, या फिर जो बहू होगी या फिर जो जमाई होगा इनका, वो बहुत फ़ायदा उठाएगा, ठीक है। आई ऑल्सो सी कि इस इंसान का जो स्ट्रेंथ है ना आज के दिन, वही कल को जाकर उनका वीकनेस बनने वाला है। यानी कि अगर आज ये पैसे का धौंस जमा रहे हैं, या फैमिली का धौंस जमा रहे हैं, या फिर इनका जो रिस्पेक्ट है, मान है, सम्मान है, वो कल सब कुछ कचरे में जा मिलना है, ये दिखाई देता है। आज जिसको ये अपनी जमा पूंजी मान रहे हैं, वही कल इनके लिए जहर बन के सामने आने वाला है, ये दिखाई देता है इस कार्ड से समवेयर,
ठीक है। अगर ये जनरली इनका जो ऑरा मुझे दिखाई देता है ना, ये कि काफ़ी लोग उनकी ये नीड है, उनका ये डिमांड है कि लोग उनकी बात सुने, लोग उनकी बात समझे, फॉलो करें, ठीक है। और ये इन फ्यूचर में बिल्कुल भी होता मुझे नज़र नहीं आता, इसके अपोजिट ही चीज़ें होने वाली हैं। लोग इनको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे, और धीरे धीरे आप देखोगे कि गाड़ी इनकी जो है नीचे जा रही है, ढलान पे जा रही है। ओके, झगड़े फसाद के बारे में मैंने बता दिया। इनका कोई पास्ट इशू मुझे दिखाई देता है रिटर्न लाइफ में आने वाला है, यानी कि पिछला कोई अफेयर हो सकता है रिटर्न आएगा, या फिर पीछे की हुई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट भारी पड़ सकती है, या फिर कोई भी ऐसा पिछला प्रॉब्लम जो है इनका, मुझे रिटर्न इनकी लाइफ में आकर इनकी लाइफ झंड करने वाला दिखाई देता है। बहुत गंदी लाइफ इनकी हो जाएगी पीछे का कोई प्रॉब्लम आने की वजह से। आई ऑल्सो सी कि इस इंसान का ना मेंटली काफ़ी स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं इन फ्यूचर इस इंसान के लिए। फिज़िकली रहेंगे, हो सकता है फिज़िकली फिट रह सकते हैं, बट मेंटली डिप्रेशन होना, स्ट्रेस होना, 24/7 स्ट्रेस होना, अपने घर पे भी घर जैसा माहौल ना रहना, ये बहुत बड़ा शाप होता है। ये बहुत बड़ा गंदा काम, गंदा चीज़ हो सकती है कि आप अपने घर पे भी कंफर्टेबल फील ना करो, और वो इनके साथ होता इन फ्यूचर दिखाई दे रहा है। आई ऑल्सो सी कि इनके घर वाले ही इनके दुश्मन बनते हुए, होता है ना वो बॉन्डिंग, अभी जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जताने की कोशिश कर रहे हो बॉन्डिंग, वही बॉन्डिंग कल को इनकी इनका ही गला पकड़ने आ सकती है, ठीक है। आई सी दिस इंसान, अभी हम कहीं पे भी ये हो ये नहीं चाह रहे हैं, ये ऐसा ही हो, बट ये कर्मा है, इसको ना मैं रोक सकती हूँ ना आप रोक सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज अ रीडिंग गाइज। आप वीडियो ख़त्म करें उससे पहले एंजल थेरेपी के बारे में बताती हूँ। एंजल थेरेपी के हमारे 23 बैचेस सक्सेसफुली ख़त्म हो चुके हैं। हमारा 24th बैच शुरू हो रहा है 12th of May से, 12 मई को शुरू हो रहा है। 24th हमारा बैच है, एंड यानी कि पिछले 2 साल से हम ये कर रहे हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि एक 24th बैच हमारा शुरू हो रहा है। ऐसे लोगों से, ऐसे गंदे लोगों से आप प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हो, एक कौन से एंजल्स आपको हेल्प कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प किस तरह से ले सकते हो, आप उनके क्वेश्चंस, उनको कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंजल्स को, उनसे आंसर कैसे ले सकते हो, ये सारा कुछ डिटेल में उस कोर्स में सिखाया जाएगा। कोर्स की फ़ीस सिर्फ 1000 रुपीज़ हैं, एंड 21 डेज का लंबा कोर्स है। अगर कोर्स के बारे में और जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है 7666-157-456, ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूँगी। Thank you so much for joining in today's reading. I'll see you in the next video. Till then, bye-bye. Enjoy.